हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फराज किचन। आज हम बनाने वाले हैं चीज़ी वेजी चिकन समोसास। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द इंग्रेडिएंट्स। इसके लिए हमें सारे इंग्रेडिएंट्स वन प्रोपोर्शन में चाहिए। वन बोल ऑफ अनियंस चॉप्ड, वन बोल ऑफ कैरेट चॉप्ड, वन बोल ऑफ बॉइल्ड चिकन श्रेडेड, वन बोल ऑफ कोरिएंडर लीव्स चॉप्ड, कैप्सिकम चॉप्ड। मैंने मोज़रेला चीज़ लिया है। इफ़ यू वांट यू कैन टेक अनदर चीज़ आल्सो। बटर, पेपर पाउडर, वाटर टू सील द समोसास, ग्रीन चिलीज चॉप्ड फाइनली चॉप्ड, दिस इज चिकन क्यूब, केचप, ग्रीन चिली सॉस, सोया सॉस एंड समोसा शीट्स। इफ़ यू वांट यू कैन स्किप द ग्रीन चिली सॉस एंड इफ़ यू वांट एक्स्ट्रा स्पाइसीनेस टू इट देन यू कैन ऐड इट। Firstly, you should heat the pot and add in butter to it. Once the butter melts, you can add in the chicken cube and just allow it to melt it with the butter. Then add the onions. You should keep the flame high and just saute everything together. Carrots, you can put it first. कैरेट्स पहले डालना है क्योंकि कैरेट्स पानी छोड़ते हैं। इनफैक्ट सारे वेजिटेबल्स पानी छोड़ते हैं, तो हमें कोई भी वेजिटेबल्स को सिंप करके या लोअर हीट पे नहीं करना है। इट इज़ ऑलवेज ऑन हाई फ्लेम, तो वो क्रंचीनेस भी रहता है एंड देन पानी भी नहीं आता, सॉगीनेस नहीं होता है। जस्ट मिक्स एवरीथिंग टुगेदर। देन यू कैन ऐड इन द बॉइल्ड चिकन। चिकन मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट, चिकन क्यूब, गरम मसाला पाउडर एंड पेपर डाल के बॉईल कर दिया था एंड देन श्रेड किया था। वंस हम बॉईल कर देते हैं तो उसके नीचे एक मसाला आता है, वो मसाला भी अब ऐड इन करो। पेपर पाउडर डाला है मैंने। अब मैं ग्रीन चिलीज जो क्रश्ड या फाइनली चॉप्ड है वो हम डालेंगे इसमें। मैंने 3 टेबलस्पून लिया है। आपको चाहिए तो आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। फिर टोमेटो केचप मैंने 2 टेबलस्पून डाला है। If you want, अगर kids के लिए बना रहे हैं तो you can add in more of the ketchup, soy sauce, and then just mix everything together अच्छे से। मुझे salt थोड़ा कम लग रहा था, so I add in a little more salt, cook it on high flame, and then end में हम coriander leaves डाल के just एक stir दे देंगे and we'll let it cool down। जब अच्छे से ठंडा हो जाएगा ये, तभी हम मोज़रेला चीज़ डालेंगे। गरम इसमें हम मोज़रेला चीज़ नहीं डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर ये समोसा शीट्स लेके हम कोन शेप बना लेंगे। आई होप मोस्ट ऑफ यू ऑल माइट नो के समोसा कैसे फोल्ड करते हैं, बट फॉर द स्टार्टर्स आई विल जस्ट गाइड। ऐसे कोन बना के हम इसमें 3/4 ऑफ द फिलिंग डालेंगे। इसमें ज़्यादा नहीं, फुल नहीं भरना है, वरना जब हम जब समोसा फ्राई करेंगे तो वो शीट फट जाएगी एंड चीज़ जो हमने अंदर डाला था वो ऊज आउट हो जाएगा, उससे चीज़ जल जाएगा तेल में। सो इट इज़ ऑलवेज प्रेफर्ड कि समोसे को 3/4 भरना है एंड देन इसे इस तरीके से फोल्ड ऑन करके मैंने वाटर से सील किया है। वाटर से भी इजीली सील हो जाता है, बट इफ़ यू आर कंफर्टेबल यू कैन ऐड इन a little atta to the water and seal it। ये देखिए, once more I'll just show you। ऐसे ही सारे समोसा शीट्स फिल करके रखना है एंड देन इफ़ यू वांट यू कैन स्टोर दी समोसास, यू कैन जस्ट फ्रीज इट अप इन एन एयरटाइट कंटेनर और इसे हम रख सकते हैं फ्रीज़र में। तेल को गर्म करना है और समोसा अंदर डालना है। हमें हाई फ्लेम पे नहीं फ्राई करना है, वरना समोसा बाहर से जल्दी रेड हो जाएगा और अंदर से पकेगा नहीं एंड प्लस हाई हीट वाला समोसा क्रंची नहीं रहता है ज़्यादा देर तक, इट बिकम्स सॉफ्ट। So you need to fry it on slow to medium heat till it is equally golden color। जब आपका preferred color आ जाएगा इसमें, crunchiness आ जाएगा उसमें, तो आप निकालिए absorbent paper पे
आर समोसा चीज़ी वेजी चिकन समोसाज आर रेडी। देखिए कितना क्रंची एंड चीज़ी है ये। यू कैन हैव इट विथ केचप और चटनी। आई होप यू लाइक माई चीज़ी चिकन समोसा रेसिपी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड।